बीते दिनों 3 अगस्त को एक स्कॉर्पियो की चोरी की जाती है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद दनियामा पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेती है और इस एक बड़े नेटवर्क की गिरफ्तारी होती है। और पूरे मामले की बात कर ली जाए तो हमारे पीछे जो आपको ये स्कॉर्पियो दिख रहा होगा, ये दनियामा क्षेत्र में एक गिरोह के द्वारा पहले बुकिंग की जाती है और उसके बाद चालक को अपहरण करके उसके बाद इस स्कॉर्पियो की लूट की जाती है और इसका पूरी तरह से मॉडिफाई बदल दिया जाता है। यहाँ तक गिरोह के पहुँच की बात कर ली जाए तो इसका 34 नंबर भी बदल दिया जाता है और चालक के माध्यम से दनियामा में चोरी का FIR दर्ज किया जाता है। और पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान करती है, जो तमाम तथ्य सामने आते हैं कि 11 लोगों के द्वारा इस स्कॉर्पियो का लूटपाट किया गया था, चालक को बांधकर पिटाई की गई थी और इस पूरे मामले के बाद एक गैराज से इस स्कॉर्पियो की जो पुलिस ने बरामद की। और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए ग्रामीण SP रोशन कुमार ने बताया कि ये गाड़ी लूटपाट की गई थी लेकिन चालक के माध्यम से चोरी का FIR दिया गया था। जब इस पूरे मामले की जांच की तो 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जो गाड़ियों की लूटपाट करते थे और इन सभी अपराधियों का जो अपराधी इतिहास भी रहा है, कई मामलों में ये जेल भी जा चुके हैं। और जब पुलिस ने गंभीरता से इनसे पूछताछ की तो ये स्कॉर्पियो एक गैराज से बरामद हुआ और जिस प्रकार से पूरे मामले की जानकारी हुई कि गैराज में ये स्कॉर्पियो रख के चेचिस से लेके इसके तमाम मॉडिफाई को बदल दिया जाता था और नकली दस्तावेज बना के, कागजों का दस्तावेज बना के इसे बेचने का भी कार्य किया जाता था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसके पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया है। पुलिस इनके अन्य मेंबरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रोशन कुमार ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। 8 अगस्त को दनियावा थाना में घटना प्रतिवेदित हुई, उसमें एक स्कॉर्पियो के ड्राइवर द्वारा ये आवेदन दिया गया कि उसकी गाड़ी को कुछ लोगों ने हायर किया और फिर मौका देख के उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। प्रथम दृष्टि ये उसके आवेदन के अनुसार चोरी का मामला प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब उसका डिटेल इस पर तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि ये चोरी नहीं, दरअसल लूट का मामला है। इसमें जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको एक लड़का था सौरभ कुमार और एक उसका भाई था मोहित, वो जानता था। उसके वजह से उसने क्या किया कि पहले भी एक बार इसकी गाड़ी को उसने भाड़े पे लिया था, जिसकी वजह से जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए जो मोहित है उसने सौरभ को उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया और सौरभ ने अपने दोस्त अभिषेक उर्फ कारू के माध्यम से उसको कॉल करवाया एक दूसरे के नाम का सिम का इस्तेमाल करके। और उसके बाद 3 लोग इसको फतुहा में बुलाए और अभिषेक, अनिकेत और शिवम नाम के 3 लड़के गाड़ी में बैठ कर और हथियार के दम पर ड्राइवर को मार पीट के उसको बांध के फेंक दिया और गाड़ी उसकी लेकर भाग गए। उसके बाद मोहित, जो इसका ड्राइवर का जानता था पहले से, उसका रिश्ते में भाई भी लगता है, उसने ड्राइवर को समझाया कि देखो इसमें तुमको लूट का करने से तुमको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ करके समझाया। और उसने ही उसके बदले में आवेदन लिख के अगले दिन थाने में आकर आवेदन दिया। अग्रतम अनुसंधान में आया कि ये टोटल लगभग 14-15 लोगों का गैंग है जिनका ये काम है कि गाड़ी को चोरी करके उसको पूरा एक चेन था जिसमें एक आदमी गाड़ी को चोरी करता था, वो दूसरे को, तीसरे को, फिर उस गाड़ी को लोग एक गैराज में ले जाकर उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर मॉडिफिकेशन करके उसको बेचते थे। इस कांड में स्पष्ट हुआ कि अभिषेक द्वारा जब कॉल करके बुलाया गया, 3 लड़के जो अभिषेक, अनिकेत और शिवम ने गाड़ी लूटी, उसके बाद इन्होंने सौरभ को गाड़ी 1,60,000 रुपये में बेची, उसने मनीष और रोशन को बेचा जिसमें से सिर्फ रोशन और अभिषेक फरार है, और इसने दीपक को 2 लाख में बेची जिसके पास से गाड़ी बरामद की गई। तो इस पूरे घटनाक्रम के जो अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह चला रहे हैं जिसमें इनका काम है। और इसमें दौरान ये भी स्पष्ट हुआ कि इसमें सौरभ कुमार जो है ये पहले भी फरवरी में दीदारगंज में एक ट्रैक्टर की लूट हुई थी जिस पर सरिया लादा हुआ था, उस केस में जेल जा चुका है। मनीष राज है ये, इसका भी आपराधिक इतिहास है, फतुहा थाने के लूट केस में जेल जा चुका है। एक और मनीष कुमार है ये अंकरबाग का, ये भी NDPS के केस में जेल जा चुका है। दीपक कुमार शराब के केस में पत्रकार नगर थाने से जेल जा चुका है। शिवम कुमार भी खगड़िया जिले का है जो लूट के केस में जेल जा चुका है। मोनू कुमार भी रामकृष्णा नगर से शराब के केस में जेल जा चुका है। अभिषेक राज भी दीदारगंज के लूट केस में था। गोपाल उर्फ अभिषेक ये भी NDPS के केस में कंकरबाग से जेल जा चुका है। मतलब कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें से 9 लोगों का आपराधिक इतिहास पहले से इस इलाके का है और भी इसमें 3 लोगों की पहचान की गई जिन्होंने गाड़ी छुपाने में और गाड़ी को बेचने के क्रम में अपनी भूमिका निभाई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ये स्पष्ट हो जाएगा कि और कौन लोग इसमें सम्मिलित थे जिन्होंने गाड़ी का
सारा मॉडिफिकेशन और इंजन नंबर चेंज नंबर चेंज करके इसको छुपाने की कोशिश की। सर ड्राइवर का भी संलिप्तता? नहीं, ड्राइवर की संलिप्तता अभी तक कितने गाड़ी चोरी करके मॉडिफाई करके और ये कहाँ बेचते? अभी दो एक गाड़ी तो बरामद हो गई जिसकी पुष्टि हो गई कि उसका इंजन नंबर चेंज नंबर भी चेंज किया गया और मॉडिफिकेशन भी किया गया। एक और गाड़ी बलेनो बरामद हुई है लेकिन उसके बारे में अभी सत्यापन किया जा रहा है कि चोरी की है लूट की है फिर कहाँ। मोटर सप्रेंडिंग का जो गाड़ी बेचने का था वो गाड़ी बेचने का था या फिर उससे क्राइम करने का था? क्या नहीं, गाड़ी बेचने का था। एक जो पहले से किसी को संपर्क किया, इस तरह की घटना एक बार और हथीता थाना में भी प्रतिवेदित हुई। जो गाड़ी भी यहीं पटना से ही हायर की गई थी तो गाड़ी जो पहले से एक बार उसको इस्तेमाल करके भरोसे में ले लेते हैं फिर उनको लग जाता है कि हाँ ये भरोसे का आदमी है, दोबारा फिर उसको हायर करते। इस केस में भी इन्होंने पहले एक बार और उसी गाड़ी को हायर किया था और इस बार भी हायर करने का उसको कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे ताकि उनको भरोसा हो जाए कि नहीं ये लोग जेन्युइन गाड़ी किसी आम लोगों को बेचते थे या क्रिमिनल? नहीं, ये लोग आपस में क्रिमिनल ही हैं, इनका पूरा क्रिमिनल नेटवर्क है। इसमें एक जो गैराज जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसका भी सत्यापन चल लगा। अभी तक 15 लोगों की पहचान की गई जिसमें 11 लोग गिरफ्तार हैं, 4 लोग और पहचान में आए। चेंजेस नंबर चेंज वगैरह करते थे तो कहां से क्या कैसे करते थे? वो मशीन से घस के किसी और दूसरे गाड़ी का इंजन नंबर चेंज नंबर उस पर डाल देते थे। कितने दिनों से ये इस काम को अंजाम दे रहे थे? इन सब का बताइए, इनका अधिकतर ऑपरेट करने का है जो एरिया है फतुहा वाला, जो एरिया है फतुहा धनियामावा शाहजहांपुर वाले एरिया में लोग ऑपरेट करते थे। तो अमूमन ये माना जाए कि ये सभी जो अपराधी थे ये पूरा गिरोह जो था पहले गाड़ियों की बुकिंग करते थे, पहले रेकी कर लेते थे, उसके बाद घटना को अंजाम देते थे, और कितने गैराज जो है इनके संपर्क में है इनका अलग अलग एरिया में, जैसे इसमें पता चल रहा है कि भीटा एरिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में भी डिटेल मिला है, आगे इसमें सत्यापन किया जाएगा। सारे बाली और सारे केवल बड़े गाड़ियों को टारगेट करते थे या छोटी गाड़ियों? जनरली जो भाड़े पे गाड़ियों से बलेनो स्कॉर्पियो इस टाइप की गाड़ी जो भाड़े पे लगाई जाती हैं जो एज अ टैक्सी यूज होती है उनको ये लोग टारगेट करते हैं। मतलब कि ये लोग गाड़ियां बिहार में ही चलवाते थे या अभी तो राज्यों में खपत करते? अभी अन्य राज्यों की खपत की बात सामने नहीं आई है, अभी फिलहाल जो गाड़ियां मिली है उनका यही लोग बेचते सस्ते दामों में, क्योंकि ये भी गाड़ी नई गाड़ी थी, 9 महीने पुरानी गाड़ी थी। कागज पत्र सर कैसे बनाते थे? कागज इसी क्रम में आपको बता रहा हूँ, इसमें जो गैराज वाले इन्वॉल्व है उनका उसका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें जिस आखिरी कड़ी था उसमें एक आदमी मिसिंग है जिसके बारे में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसके पकड़ाने के बाद इसमें आगे की परिवहन से भी संपर्क किए? नहीं, इस तरह की बात अभी सामने। ये बातें उठेगी ना कि अगर चेसिस नंबर बदलवा दिया जाता तो कागज कैसे दस्तावेज बदलते थे, बिल्कुल चलती थी, क्योंकि ये पूरा केस अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ। अभी तक जितनी चीज़ें हुई वो मैंने आपको अपडेट किया, आगे जो जो इसमें डेवलपमेंट होगा अगर पूरा बड़ा और बड़ा नेटवर्क आपको हम लोग अनुसंधान के क्रम में बात है फिर आपको। नेटवर्क बड़ा है इसमें सर। एक आदमी जेल में भी बंद था जिस दिन कांड हुआ है उस दिन वो? हाँ बिल्कुल, 9 तारीख को निकला है, ये रामकृष्ण नगर का है लड़का। ये वो घटना पहले हो चुकी थी लेकिन गाड़ी को सेटल करने में इसका इन्वॉल्वमेंट है। गाड़ी को नहीं, जेल से निकलने के बाद ये पैसा देने पेमेंट करने गया था, सेटलमेंट वगैरह में इसका रोल है। घटना में रोल नहीं है लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरा चेन है कि कोई कुछ लोग घटना में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग गाड़ी को, एक आदमी फ़ोन करता है, एक आदमी गाड़ी में बैठता है, एक आदमी गाड़ी को लूटता है, दूसरा आदमी उसको बेचता है, फिर वो तीसरे को देता है, फिर चौथा आदमी उसको मॉडिफाई करवाता है, इस तरह का पूरा। ये सब लोगों का दोस्ती कैसे हुआ क्योंकि सब अलग अलग जिले से? ये पहले भी साथ में मिलकर घटना कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि दीदारगंज में फरवरी महीने में एक सरिया जो ट्रैक्टर से पे जा रहा था उसकी लूट हुई थी जिसमें सरिया और ट्रैक्टर भी बरामद होकर ये सब लोग को जेल में भेजा गया। हेड कौन है सर इसमें? हेड ऐसा देखिए, सबका अलग अलग रोल डिफाइंड है तो हेड की तरह इसको अभी कहना स्पष्ट ठीक नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग मास्टरमाइंड नहीं है जो ये पूरा घटना। इसमें सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका और जो है वो सौरभ सबसे ज्यादा एक्टिव है और सौरभ से पहले इससे पहले भी शक के आधार पर इससे लाके पूछताछ किया गया था लेकिन तब तक कंप्लीट साक्ष्य नहीं मिले थे इसलिए इसको अब साहित नहीं किया। आगे जब डिटेल एविडेंस मिला फिर इसको आज बिल्कुल बिल्कुल अगर आप ये गाड़ी को मॉडिफाई करें तो उनके विरुद्ध पूरी इसी घटनाक्रम में उनको भी मतलब हिरासत में भेजा जाएगा। पूछताछ के उपरांत जो साक्ष मिलेंगे उसके आधार पता चलेगा फिर आपसे शेयर करेंगे। नहीं अभी डिटेल क्योंकि बताया इसमें कि 4 लोग और हैं जो अभी मिसिंग है जिनको गिरफ्तार। इनके संपर्क में अभी तक एक दो गैरेज के बारे में हम लोग के पास रफ आइडिया जो भी हम लोग डिटेल आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं आने वाले टाइम में आप ठीक अगर डिटेल हो जाए। तो आपने सुना कि एक बड़ा गिरोह कहीं ना कहीं पटना पुलिस की गिरफ्त में आया है जिसके पास से स्कॉर्पियो बलेनो को बरामद किया गया। अगर समय रहते इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये लगातार अन्य घटनाओं को भी अंजाम देते और इस पूरे गैंग की मंशा ये रही है कि पटना में हाईटेक गाड़ी लग्जरी गाड़ियों को ये लूटते थे और उसके बाद मॉडिफाई से लेके चेचिस बदल के दस्तावेज कागज बनवा के उसे मार्केट में अधिक दामों में बेचने का काम करते थे। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।